नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कहां पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जबरदस्त बवाल हुआ और लोगों ने लाश रख कर यहां पे जमकर हंगामा किया, जिसके बाद यहां कुछ लोगों द्वारा पुलिस पर हमला भी किया गया, जिसके बाद पुलिस ने दो नामजद आरोपियों सहित 50 लोगों पर FIR भी दर्ज की है। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के छतरपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय की ये घटना है, जहां पर बुधवार को यहां नौगांव थाना क्षेत्र के लोगासी के रहने वाले कुछ लोग आए हुए थे और यहां पे लाश रखकर घंटों प्रदर्शन करते रहे। लेकिन उसके पहले यहां पर पुलिस ने इन्हें कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर आने से रोका, तो यहां पे भीड़ में मौजूद महिलाओं ने बैरिकेड्स भी तोड़ दिए, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से सबसे पहले महिलाओं ने बवाल काटा और यहां पे पुलिस ने जब भीड़ को रोकने की कोशिश की तो यहां पे एक साथ लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए और उसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर पहुँचे, जहाँ पर पुलिस ने कैंपस के अंदर जाने से रोका, तो यहाँ भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया, यानी कि पुलिस के साथ मारपीट की गई और पुलिस की कैप, चश्मा, टोपी, तमाम चीज़ें फेंक दी गई। साथ ही यहां पे मारपीट जैसी घटना को भी अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने आनन-फानन में दो लोगों पर FIR दर्ज की है, जिनके नाम भागीरथ अहिरवार और भज्जू अहिरवार हैं। इसके अलावा 50 लोगों पर भी FIR की गई है, यानी कि दो नामजद आरोपी बनाए गए हैं। इसके साथ ही 50 अन्य लोगों पर भी FIR दर्ज की गई है और इस पूरे मामले को जांच की गई है। अब हम आपको बता दें कि आखिरकार यह घटना क्यों हुई है और क्या वजह रही कि लोगों को लाश रख कर यहां प्रदर्शन करना पड़ा। दरअसल नौगांव थाना क्षेत्र के लोगासी के समीप एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी और मौत के बाद यहाँ पे गुस्साए लोगों ने शव को रख कर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमकर हंगामा किया और इसी दौरान पुलिस से यहाँ पे विवाद भी हो गया और यहाँ मौजूद भीड़ ने लोगों ने पुलिस पर हमला भी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने अब यहाँ दो नामजद आरोपियों सहित 50 लोगों पर FIR दर्ज की गई है, जिसमें हमने आपको बताया कि भागीरथ अहिरवार और भज्जू अहिरवार के खिलाफ यहाँ पे धारा, यहाँ हम आपको बता दें 353 और 188 के तहत कार्रवाई की गई है। ये पूरा यहाँ हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और यहाँ पे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान छतरपुर के एडिशनल SP विक्रम सिंह मीडिया के कैमरे पर क्या कहते हैं, जरा यह सुन लीजिए। इस खबर के प्रायोजक हैं हेमा एल्युमिनियम एंड प्लाई। हमारा पता न्यू चंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया, पन्ना रोड, छतरपुर। ये नौगांव की घटना थी, जिसमें डेड बॉडी लेकर के उसके परिवारजन, साथ में और समाज, गांव के लोग शामिल हो गए थे, जबकि पुलिस द्वारा इसमें पूर्व में ही सभी विधि सम्मत कार्रवाई की गई थी और कलेक्ट्रेट में इनके द्वारा धरना दिया गया और धरना के दौरान पुलिस के साथ छीना झपटी और धक्का मुक्की की गई। गंभीर मैटर था, इसमें इमीडिएट हमने 353 और अन्य सुसंगत धाराओं में FIR रजिस्टर्ड कर लिया है। इसमें दो नामजद आरोपी हैं, बाकी अन्य आरोपी हैं। तो सुना आपने, एडिशनल SP का कहना है कि यहां पे दो नामजद आरोपियों सहित 50 लोगों पर FIR दर्ज की गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। यहां पे दरअसल पुलिस पर हमला करने को लेकर यह FIR की गई है, अब पुलिस आगे की जाँच कर रही है। वरदान एक्सप्रेस के इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।